ई ऑल्सो हैव अ राइट मतलब वाई मी वाई विद मी वाईट है तो मुझे वो थोड़ा सा ऑफकोर्स बुरा लगता है uh, मुझे लगता है कि अगर हम माफ़ करते हैं किसी को तो आप ज्यादा बड़े इंसान होते हैं उसके ल्यू में हम थोड़ा सा आगे चल के मैं सेफ्टी के प्रिकॉशन ज़्यादा लेना प्रेफर करूंगा एल एवरी वन माई नेम इज़ आकाश चौधरी एंड यू आर वॉचिंग स्टार स्टेशन जी तो मैं जैसा मैंने बोला कि नॉर्थ में ऑफ कोर्स बप्पा की हम पूजा करते हैं बट गणपति फेस्टिवल इतना लार्ज स्केल पे सेलिब्रेट नहीं होता है तो मुझे फैसिनेशन था मूवीज से मुझे फैसिनेशन था टीवी से जब हम देखते थे आ, जो एक्साइटमेंट होती थी जब से लोग बहुत सेलिब्रेट करके लाते तो कहीं ना कहीं वो कही मेरे दिल में हमेशा से था बचपन से तो जब बॉम्बे आए जब हमने देखा सब लोगों को सेलिब्रेट करते हुए एक कहीं से क्लिक हुआ कि यू नो लेट्स गेट बप्पा दिस ईयर तो उनको लाना शुरू करा और फिर तो आ ही रहे हैं वो तब से और आते रहेंगे की की बात की जाए तो बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया लेकिन हर थी। साल साल के थीम लिए इस क्या डिफरेंस जी इस साल थीम थी एक चीज में ही थीम हमेशा सेम रहता है कि हमारे जो बप्पा की मूर्ति का कलर होता है वो आ, सिंगल टोन कलर होता है हमेशा एक ही कलर की पूरी मूर्ति होती है इस साल ये आ, बेज कलर के हैं लास्ट ईयर जैसे टकॉइस थे उससे पहले ऑरेंज कलर में थे तो उनकी मूर्ति के कंट्रास्ट में हम, हम हमेशा डेकोर लेते हैं इस बार डेकोर का सेटअप थोड़ा सा बड़ा है यूजल से हर साल से बिकॉज मेरा सेवन्थ ईयर है तो ऑफकोर्स डिफरेंट था इस बार हमारे गणपति बापा की मुठ्ठी भी बंद है दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट हमेशा खुले हाथ के होते हैं इस बार बंद मुठी के आए हैं वो तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज हैं और बाकी तो um, उनका आगमन ही अपने आप में एक डेकोर है उनकी uh, उन यू you नो know, कोई भी डेकोर उनका जो ग्रैंड्यूर है उसको बढ़ा नहीं सकता हज फेस इज़ इन इट सेल्फ इज़ इनफ तो या दैट्स वॉट द डेकोर इज ऑल अबाउट

यू नो आई आल्सो हैवे अ राइट मतलब वाई मी वाई विद मी वाईट हैपन्ड विद मी तो मुझे वो थोड़ा सा ऑफकोर्स बुरा लगता है बट uh, मैं बेटर फ्यूचर में हमेशा बिलीव करता हूँ मैं बिलीव फॉ फॉगिवनेस में करता हूँ uh, मुझे लगता है कि अगर हम माफ़ करते हैं किसी को तो आप ज़्यादा बड़े इंसान होते हैं तो मेरे लिए वो थोड़ा सा शॉकिंग था बट आई हैव मूवड ऑन फ्राम दैट इंसीडेंट एंड

नहीं डर तो मैं नहीं बोलूंगा डर तो मतलब डरना तो आपको किसी चीज़ से नहीं चाहिए टू बी ऑनेस्ट अगर चीज़ें एस्केलेट होती हैं तो ऑफकोर्स आप भी रिएक्ट करेंगे मुझे नहीं लगता वो इतनी बड़ी चीज़ थी कॉल बहुत लोगों के आए बहुत सारे फेटर्निटी के लोगों के फोन आए जिन्होंने बोला दैट यू नो हाउ आई रिएक्ट इट वेरी कमेंडेबल कि मैं रिएक्ट नहीं करा एंड इट्स यू नो वेरी डिस्गस्टिंग अपॉलिंग के यहाँ पर यू you नो know, इस तरीके की चीज़ें होती हैं मतलब बॉम्बे इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट प्लेस आई लव लिविंग इन मुंबई मुंबई में मुझे मुझे मुंबई से बहुत प्यार है मुझे मुंबई बहुत सेफ लगता है तो ये पहली बार मुंबई में इस की चीज हुई है दूसरे शहरों में कई बार हो जाता है um, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आगे चल के मुझे ध्यान रखना पड़ेगा यू you नो know, हमारे जो पर्सनल सिक्योरिटी होती है मोस्टली इवेंट्स के टाइम हम लोग साथ लेके जाते हैं बट आई थिंक फॉर सम टाइम इन जनरल भी रखना चाहिए नॉट नॉट एज के किसी को मारे या कुछ करें बट एज अ प्रोटेक्शन एज अ प्रिकॉशन बहुत जरूरी है उस पर भी कई बार हम लोगों को जज कर लिया जाता है यू नो के उसको एरोगेंट बोल दिया जाता है कि आप क्यों टीम के साथ घूमते हैं अपनी बट इसी इंसिडेंट्स की वजह से हम लोग को कई बार करना पड़ता है लेकिन आता जैसे आपने कहा कि एक्शन नहीं लिया आपने हर एक रिएक्शन का एक्शन होता है जी। लेकिन यू uh, नो you know, ऐसा मुंबई या बहुत सारी जगह होता है की uh, हम देखते हैं कि लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं जी हाँ तो उस पर आपका क्या चाहना क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे uh, जहाँ पे आपका भी एक कमेंट आया था कि, कि किसी और ने भी एक्शन नहीं लिया मैं एक्चुअली बोलूँ ना वहाँ कई बार ना लोग को प्रोसेस करने में टाइम लग जाता है ठीक है मुझे भी उसको प्रोसेस करने में लगा अभी अम, अ, जितने भी हमारे यहाँ पर पैप्स आए हुए थे वेरी ग्रेसफुल ऑफ दैम के जैसी वो इंसिडेंट हुआ उन्होंने एकदम कैमरा भी कट कर दिया था एंड दे वेंट टू कन्फ्रंट बट जब तक वो हुआ वो थोड़ा सा टाइम जा चुका था उसके बाद कन्फ्रंटेशन हुई हमारी टीम वाले लोग थे दिस पीपल सेट सॉरी ऑल्सो लोग रिएक्ट करते हैं पर तो मुझे लगता है लोगों को ना थोड़ा समझने में टाइम लग जाता है आप कई बार कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं आपको समझ ही नहीं आता कि अरे ये हुआ क्या और क्यों हुआ तो आई थिंक वो भी एक चीज है मुझे मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि लोगों ने रिएक्ट नहीं किया थोड़ा सा लेट रिएक्शन हो गया था बस ये कह सकते हैं की बात की जाती है मुझे बहुत मेजर स्वीट टूथ है मुझे स्वीट्स इन जनरल बहुत पसंद है बट मैंने मोदक बनाना कभी ट्राई नहीं किया लास्ट मेरे मॉम आए थे तो उन्होंने घर पे बनाया था बट बिकॉज मैं अकेला रहता हूँ तो हमारे तो अभी बाहर से ऑर्डर करके हम लोग मंगाते हैं बट आ, मैं काफ़ी सारे खा चुका हूँ सुबह से नहीं मेरे तो फ्रेंड सेम ही आते तो हैं हर साल काफ़ी लोग होके गए हैं सुबह की आरती के लिए थे, आप शाम की आरती के लिए लोग आएंगे आ, मेरे बहुत सारे क्लोज फ्रेंड हैं, नैना है, है निवेदिता है ये लोग ये कॉन्स्टेंट हैं। जब से मैं बॉम्बे शिफ्ट हूँ हम सब साथ ही पर तो हम हमेशा साथ रहते हैं आ, बाकी कुछ फ्रेंड्स हैं जो अपने है, फिटर्निटी के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो आते हैं तो लोगों का तो आना जाना रहेगा वो पापा आते हैं तो उनके साथ बहुत सारे लोग आते हैं तो वो एक अलग खुशी की बात रहती है देख रहे कि जब Uh, जी मुझे एक्चुअली पप्पा की जो आरती है वही मेरी फेवरेट है वो भी बहुत तरीक़े से बहुत सारी फिल्म गानों में यूज़ हुई है तो वही सुबह से मैंने चलाई हुई थी जो पप्पा की आरती है वही मेरी फेवरेट है और उसके अलावा मैं ओम गंग गणपति का जाप खुद करता हूँ और सुनना पसंद करता हूँ तो ये दो चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं Uh, दर्शकों से इतना कहना चाहूँगा कि बप्पा आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें और uh, आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी सक्सेस और हेल्थ आए और बस अपने आसपास जितने भी लोग हैं सबका ध्यान रखिए जानवरों का ध्यान रखिए uh, जिसकी जितनी हेल्प कर सकते हैं करिए दैट्स वॉट वी आर लिविंग फॉर बिकॉज अल्टीमेटली आपका कर्मा ही आपको लाइफ में आगे बढ़ाता है मैं इसलिए इस चीज़ में बिलीव करता हूँ सो मेक योर कर्मा इज गुड एंड विश यू अर वेरी 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 हैप्पी गणेश चतुर्थी